जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। ये देखिए भक्तों, गौ भक्तों, एकदम हरी भरी बाजरी के शानदार बाजरी है। ये बाजरी का मायने आज 11 को श्रीमान भागु राम जी पूनिया स्नोप मालदा राम जी पूनिया भागु राम जी ने गौ माताओं के लिए ये भरी हुई फसल आज गौ माताओं को चराने के लिए दे दी है। इस पूरे खेत में गौ माताओं को चरा लो। ये देखिए बहुत ही शानदार हरी भरी बाजरी खड़ी है, पूरा खेत भरा हुआ है। तो आज 11 को गौ माताएं इस खेत में हरी भरी बाजरी चरेगी। गौ माता कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भागु राम जी की सभी मनोकामना मन की इच्छा सब पूर्ण करे, आशीर्वाद प्रदान करे। गौ माताओं की सेवा में ये श्रीमान भागु राम जी पूनिया अपने स्वर्गीय पिताजी मालदा राम जी पूनिया के यादगार में याददाश्त में आज 11 को गौ माताओं की सेवा में गौ माताओं के लिए ये देखिए हरी भरी बाजरी, इसमें मूंग और मतलब बाजरी बहुत शानदार है, हरी भरी है। गया दो दिन मजों चरसी, इतनी शानदार बाजरी है तो गौ माताओं के लिए दे दिए। इसे कहते हैं दानवीर। तो गौ माताओं की सेवा में बहुत ही अच्छा कार्य किया, गौ माताएं हरी भरी बाजरी चरेगी तो आशीर्वाद जरूर देगी। गौ माता कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी सभी मनोकामना मन की इच्छा पूर्ण करे, आशीर्वाद प्रदान करे। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दानवीर ने भरी हुई फसल गौ माताओं की सेवा में दे दिए जी। आज 11 को भागु राम जी पूनिया लोहा निवासी ने श्री कृष्ण गौशाला लोहा की गौ माताओं के लिए, ये देखिए खूब लंबा चौड़ा खेत है, तो पूरी फसल गौ माताओं की सेवा में आज 11 को गौ माताएं चरेगी इस फसल में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। आज गौ माताओं की सेवा में बहुत ही शानदार पुण्य का कार्य किया है, और वो क्या है, श्रीमान किशन लाल जी पूनिया स्नोप श्री नराणा राम जी पूनिया ने आज 11 को श्री कृष्ण गौशाला लोहा की गौ माताओं को आज भरी फसल में इस बाजरी में गौ माताओं को चढ़ने के लिए अपनी भरी फसल दे दी है। सभी गौ माताएं इस बाजरी में आज चर रही है, हरी बाजरी भी है, बाजरी में मूंग और साग चरने भी ठीक है, तो सभी वो गौ माताएं जीम रही है आराम से। आज 11 को श्रीमान कृष्णा राम जी पूनिया लोहा निवासी ने अपने स्वर्गीय पिताजी श्रीमान नराणा राम जी पूनिया के आज यादगार में गौ माताओं की सेवा में 11 को अपनी भरी फसल में जिमा दिया है। गौ माताएं हरी हरी बाजरी जीम रही है। अरे अरे गया हरे हरी बाजरी खा रही था नहीं गीता हुआ। अरे अरे संता, अरे अरे गौ माता जीव रही है हरी हरी बाजरी।
काली सीठा सीठा खासी राधे राधे। आज 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 जिम लियो बाजरो नहीं है। राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गौशाला, श्री कृष्ण गौशाला लोहा की गौ माताएं जिम रही हरेरी बाजरी। आज श्रीमान कृष्णाराम जी पूनिया ने अपना 6 बीघा खेत गौ माताओं की सेवा में गौ माताओं को चरने के लिए आज दे दिया है। गौ माताएं जीम रही है हरी भरी बाजरी। बाजरी है सगे मूंग और घास और डचाबड़ी सगे जो कुछ और गुणी है। गौ माता का जीम में बहुत अच्छा माल है, बहुत अच्छा माल है। बहुत जी बनगी आज तो अमर कोट मोजा भारी है। हाँ बहुत बनगी सा जिमो सा जिमो गौ माता कृष्ण भगवान आप सभी गौ सेवकों गौ भक्तों दान दाताओं की सभी मनोकामना मन की इच्छा पूर्ण करे व सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य हो। राधे राधे। पूरे खेत का मैंने फैल गया गया। कुन्ने चारी मेर कुन्ने देख लियो बोला ठेर ताई पूरे खेत का मैंने एक एक उगीब। राधे राधे। धन्य हो कृष्णाराम जी पूनिया लोहा निवासी जो गौ माताओं को हरी भरी अपनी फसल गौ माताओं के नाम कर दी गौ माताओं को जिमा दिया। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय गौ माता। राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताओं के सेवा में आज 10,000 रुपये गौ माताओं के लिए गौ माताओं को दान दिया बिज्जू राम जी माड़ी रतनगढ़ निवासी वालों ने। गौ माता कृष्ण भगवान उनकी सभी मनोकामना मन की इच्छा पूर्ण करे व आशीर्वाद प्रदान करे। आज 11 को 10,000 रुपया बिज्जू राम जी माड़ी रतनगढ़ाला लोहा गौशाला में सहप्रेम भेंट किया। गौ माता उनकी सभी मनोकामना मन की इच्छा पूर्ण करे और आशीर्वाद प्रदान करे। जय गौ माता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। यह है मोक्ष द्वार लोहा। गौ माता ने बाजरी की फसल में बाढ़ रहा ना रास्ते के मायने आवा हो और साइड में सारे रास्ते में हाईवे रोड है। नहीं सोनू बहुत फास्ट काम कर रहे हैं भाई। नहीं थे देख लियो एक एक और ये देखिए लटक रही है देखो थे।
मुक्ति धाम शमशान घाट में गेट के कलर का कार्य चल रहा है और वो भी नागर की उपस्थिति में। नहीं नहीं पेंटर बहुत सही है तेरे, देख बहुत फास्ट काम कर रहा है, बहुत बढ़िया पेंटर है। एक पल्ला के तीन लटक रहा है, देखो एक पल्ला के तीन लटक रहा है, फास्ट काम हुआ है, फास्ट काम जल्दी तो है भाई। एक ने चमका दियो खाली पांच, हां देख ये शानदार चमका दियो, 5 मिनट का मैंने एक पल्ला चमका दियो, दूसरा ने बार देख तू ओड मात रिया फास्ट कौन करे, कितो फास्ट बूट चाल रिया देख तू यार, तू क्या काम धीरे कर रिया, बहुत फास्ट काम कर रिया है। नहीं तो फास्ट काम देखियो कदी, नहीं कौन देखियो, देखियो कौन जाने तो है के कल्याण आया तो नागर से संपर्क करे। हां किसी भाई को कराना है घर में ब्याह शादी या कोई मोबाइल के करते लोगन कौन भरे तो नागर प्रजापत दुकानदार इससे संपर्क करें। हरियाली दिखाओ जरूर कर सी, जरूर कर सी, जरूर कर सी, गार्डन वास्तव में शानदार बना दियो, कड़ा देख लेते हैं शानदार है, तरीके का पेड़ पौधा है, चीज मुक्ति मुक्ति धाम का मान बहुत शानदार कर दियो, अर्जी लगे आदमी को सुबह शाम घूमना होता है यहां अगलो पार्क आवे घूमना, लोग घणा ही आवे आजकल तो बहुत सारा आवे मुक्ति धाम, इसका नाम है मुक्ति धाम। हाईवे रोड पे है ये गांव लोहा में, ये मुक्ति धाम शमशान घाट, बहुत ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली